हेलो गाइस, मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आपका वेलकम है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का लेक्चर है। आज हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लैंक बॉडी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिक्स के बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इससे पेपर्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले जानते हैं कि डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें बेसिक पे जाए, अगर हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ते थे स्टैटिक्स या काइनेमेटिक्स या फिर डायनेमिक्स पढ़ते थे। ठीक है, तो वहीं से डायनेमिक्स वर्ड आया है। अगर हम बात करें कि स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स क्या होती है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है उसको स्टडी करना है, डेट इज नोन एज स्टैटिक्स। अगर हम बात करें कोई चीज़ मोशन में है उसको स्टडी करना है, डेट इज द काइनेमेटिक्स। और अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है और किन किन फैक्टर्स की वजह से वो मोशन कर रही है, मतलब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। सो अगर हमारे पास कलेक्टिवली पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि मोशन कर रहे हैं, उनकी मोशन को कलेक्टिवली डिस्क्राइब करने के लिए डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अलग अलग मासेस हैं। ठीक है, अगर अलग अलग मासेस है तो उन पर अलग अलग फोर्सेस भी एक्ट होंगे, उनके अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे। और अगर हम सबको कलेक्टिवली लिखें तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हम सब जानते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ टोटल इज इक्वल टू एम टोटल एंड ए सी ओ एम। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जहाँ पे एफ टोटल जो है टोटल फोर्सेज है, जैसे कि एक सिस्टम में सिस्टम अगर मूव कर रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उन सबके सब पर लगने वाले फोर्सेज को हम लोग एफ टोटल बोलेंगे। और उनके जितने भी मासेस उस उन सिस्टम में होंगे, दैट आर एम टोटल, और उनके सबसे सबके अपने अपने एक्सेलरेशन होंगे, दैट इज नोन एज ए सी ओ एम। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, अगर हम इसको और भी मतलब कि एक्सपेंड करके लिखें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि एफ टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई और एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास। जेड आर सी ओ एम इज नथिंग बट द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसकी वैल्यू होती है समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा वी सी ओ एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन में समेशन ऑफ एम आई। इस तरीके से इसको अगर हम डबल डिफरेंशिएट करें तो हमें जो है अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू समेशन एम आई ए आई अपॉन में समेशन एम आई। दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि अगर पार्टिकल्स या एक सिस्टम अगर मूव कर रहा है, जब वो मूव करता है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है। बट अगर एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज जरूर होगा, वो भी चेंज होगा, वो भी मूव करेगा, पर वो मूव करेगा वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में। इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। डेट मीन्स सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास फाइनली इन द सेम एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो इनिशियली और फाइनली सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। सो अब बात कर लेते हैं एक और फंडामेंटल टॉपिक की। ठीक है, मैकेनिक्स का बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये। ठीक है, अगर मैकेनिक्स को अगर सीखना है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स को जानना है, तो ये टॉपिक्स ही होते हैं जो हमारे मतलब फिजिकल नेचर को जो है मैथमेटिकल नेचर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी। वो टॉपिक हमारे पास प्लैंक बॉडी कॉन्सेप्ट। प्लैंक बॉडी का मतलब क्या हो गया? प्लैंक का मतलब सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है इसका मतलब। ठीक है, अगर देखिए कोई पर्सन किसी प्लेन पे खड़ा हुआ है और वो प्लेन किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा है, और जिस वजह से वो प्लेन जो
प्लेन है वो मूव कर सकता है। अगर वो पर्सन मूव करे उस प्लेन के ऊपर तो वो प्लेन भी मूव करेगा, क्योंकि वो जो प्लेन है वो नीचे, उसके नीचे जो है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि अगर पर्सन मूव करेगा तो प्लैंक भी मूव करेगा, लेकिन प्लैंक उसके अपोजिट मूव करेगा, न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्लैंक है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग प्लैंक बॉडी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं कि जब प्लैंक बॉडी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम पहले ही लेट करके चलते हैं कि अगर एक पर्सन किसी प्लैंक पे खड़ा है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी नाव पे खड़ा है, तो नाव भी तो एक प्लैंक ही हो सकती है, बोट भी एक प्लैंक है। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे एक फ्रिक्शनलेस सर्फेस होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर। ठीक है, और जैसे हम उतरते हैं नाव पे तो नाव भी मूव करती है हमारे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करती है। तो बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल टर्म है उसको डिराइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लेट करते हैं। जैसे कि जब प्लैंक मूव करेगा तो हम ये लेट करके चलेंगे कि साथ ही साथ जो है अगर पर्सन जो है जो उस प्लैंक पे खड़ा है वो मूव कर रहा है उस प्लैंक पर, तो प्लैंक भी उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा, जबकि हम जानते हैं कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हम लोग सेम डायरेक्शन में लेके चलेंगे उसको, और जब लास्ट में आंसर आएगा तो हम देखेंगे कि लास्ट में आंसर में माइनस टर्म आ रहा है। जो माइनस टर्म होगा वो यही एक्सप्लेन करेगा कि जो पर्सन है अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लैंक जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की जो थर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग रिएक्शन और एक्शन बोलते हैं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये टर्म आती है माइनस टर्म। तो अब जो मैंने बोला उसको हम लोग एक बार मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका। अगर हमारे पास एक प्लैंक है, ठीक है, और इस प्लैंक पे एक पर्सन खड़ा है। अब ये प्लैंक जो है जानते हैं हम लोग कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा है। ठीक है, मतलब स्मूथ सरफेस पे खड़ा है प्लैंक। अब जब पर्सन मूव करेगा, अभी तो रेस्ट पर है पर्सन, लेकिन कुछ टाइम में अगर ये पर्सन मूव करता है और लेंथ एल कवर करता है, वो उसके दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, तो हम यही कहेंगे यहाँ पर कि प्लैंक भी मूव करेगा, बट यहाँ पे हम लेट करके चलेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन मूव करेंगे। तो देखिए, जब एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए अगर ये प्रोपगेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इससे कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली और फाइनली बराबर होगा। तो एक्स सी ओ एम इनिशियली इज इक्वल टू एक्स सी ओ एम फाइनली। तो इसको हम लिख सकते हैं एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू इनिशियली दैट इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू फाइनली। अब देखिए एम वन प्लस एम टू कट रहा है, तो मान लीजिए इसका मास स्मॉल एम है और इस प्लैंक का मास कैपिटल एम है, जो बोट है जो नाव है उसका मास कैपिटल एम है। तो देखिए अगर हम सेंट्रल मास के बारे में चेक करें तो सेंट्रल मास तो ये रहा इसका, और ये जो है इसका रेफरेंस पॉइंट जहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, और चलती है और मान लीजिए कुछ डिस्टेंस कवर करती है प्लैंक, क्योंकि पर्सन मूव कर रहा है इसके साथ साथ, प्लैंक भी मूव करती है, तो ये डिस्टेंस तो डी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग डिस्टेंस अगर चेक करें तो कितना होगा, अगर लेंथ टोटल एल है, सेंटर ऑफ मास तक की जो लेंथ है रेफरेंस पॉइंट से वो एल बाय टू है, तो ये हो जाएगा डी प्लस एल बाय टू। ठीक है, पर्सन यहाँ पहुंच चुका है, तो पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पर्सन डिस्टेंस कवर किया डी प्लस एल। तो एम वन जो है वो स्मॉल एम है पर्सन के लिए, x1 जो है यही रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट पे जो पोजीशन है वो जीरो होती है, सो जीरो प्लस m2 इज कैपिटल m, बट x2 इज व्हाट, x2 इज l by 2 अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक इज इक्वल टू m1। m1 फाइनली बात करें, फाइनली m1 के लिए कितना होगा, मास स्मॉल m है, पोजीशन कितनी कवर हुई स्मॉल m की, d प्लस l, d प्लस l प्लस m2, m2 इज व्हाट, m2 इज कैपिटल m, और x2 कितना कवर किया डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर किया इसने d प्लस l बाय 2, d प्लस l बाय 2। तो अब एक चीज देख सकते हैं, ये तो टर्म जीरो हो गया, यहाँ पे m l बाय 2 बच रहा है, m l बाय 2 अगर m को अंदर इनटू करें तो यहाँ पे भी m l बाय 2 होगा, तो वो सब कट जाएगा, तो ये तो पूरा जीरो बन गया, जीरो इज इक्वल टू वहाँ बचेगा एम डी प्लस एम एल प्लस एम डी। देखिए ये स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m है, ये जो है हमारे पास कैपिटल m है, और एम एल बाई टू कट गया, तो
देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है कि यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं स्मॉल डी, तो बचेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और डेट इज इक्वल टू माइनस एम एल। तो यहाँ पे स्मॉल डी जो डी है हमारे पास कि प्लैंक ने कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया है एक्चुअली, नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास बट एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो डी होगा। तो डी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस एम एल अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अलग ही अजम्पशन तो जो है जस्ट हमने अपोजिट ली थी, मतलब समझ में आया कि जो हमारी अजम्पशन थी वो थी कि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे, बट जो मैकेनिक्स है वो कहते हैं कि नहीं माइनस साइन भी साथ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब पर्सन आगे एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो प्लैंक है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, और ये माइनस साइन उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप देखिए सॉल्व करते हुए अपने आप ये यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हो गया। देखिए इस फॉर्मूला से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैकेनिक्स का, कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एम जो है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, और कैपिटल एम जो है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब ऐसा कहेंगे हम लोग मासेस हम कैसे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर दो दो बॉडी का सिस्टम है कोई जिसमें दो मासेस हो एम वन एम टू हो, और अगर एम टू मास कुछ डिस्टेंस कवर करे, अगर एम टू मास कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, एम टू मास कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर बाय मास एम वन इज व्हाट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मास एम वन, मास एम वन आप किसी को भी ले सकते हो, तो जो मास एम वन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ जेड, दैट इज द फॉर्मूला, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला, इसी को हम ड्राइव करेंगे। देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, पर माइनस साइन हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि माइनस साइन जस्ट एक शो के लिए होता है कि हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए आता है। अगर डायरेक्शन की बात ना करें तो मैग्नीट्यूड हमारा एम एल अपॉन में एम प्लस एम होगा, ठीक है। तो ये m जो है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो मास ऑफ या सिंपल लिख सकते हैं मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू, और l है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय मास m1 एज मास m2 इज एट रेस्ट, जब मास m2 को हम रेस्ट मान लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस कैपिटल m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेवी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं इसको। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और इसी से हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला रफली बना लिया कि ऐसा हम यूज कर सकते हैं इसको। सो अगर इसको हम ड्रॉप करें तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन इससे भी। देखिए क्वेश्चन जो है आईआईटी जैम 2009 में पूछा हुआ है, कह रहे हैं इसने एक डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, और सेंटर मास यहीं पर ही है। लेकिन जब ये यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल जब मूव करती है, अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है, वो एक्स वन पर है। लेकिन जब बॉल मूव करके यहाँ पहुँच जाएगी तब सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्स टू पर पहुँच जाएगा, और एक्स टू माइनस एक्स वन पूछ रहे हैं वो कितना होगा। देखिए अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने पूरा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पे, देखिए यहाँ भी प्लैंक की तरह ही क्वेश्चन है। प्लैंक देखिए जब ऐसा बताया गया इस क्वेश्चन में कि ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक देख रहे हो ये भी मूव कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो छोटा सा बॉल है ये तो मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे था जब रेस्ट पे था तब इसकी जो पोजीशन थी सेंटर मास से वो एक्स वन थी, जब वो मूव करके यहाँ पहुंचा तब उसके सेंटर मास से जो डिस्टेंस थी वो एक्स टू थी, टोटल एक्स टू, और ठीक है रेफरेंस पॉइंट से चेक किया तो उसका सेंटर मास यहाँ शिफ्ट हो गया तब मूव किया। तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन कितना होगा, देखिए इस फॉर्मूले से हम लगा सकते हैं माइनस एम, एम कितना है इसका, इसका मास एम स्मॉल एम दे रखा है, और देखिए यहाँ पे ना ये रेडियस है तो ये टोटल रेडियस जो है वो टू आ जाएगी, ठीक है, और
और इसका मास कैपिटल एम दे रखा है, तो कैसे होगा माइनस स्मॉल एम, और रेडियस कितनी कितना कवर किया इसने, 2 आर कवर किया, 2 आर डिवाइड बाई एम प्लस कैपिटल एम, मतलब कि स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, हो गया इसका आंसर, सीधा आंसर। ये कॉन्सेप्ट पता होगा, देखिए मैकेनिक्स इसको करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये जैम 2009 में पूछा हुआ था, ठीक है। अब जेएनयू का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, 2011 में क्वेश्चन आया जेएनयू से, आई होप आपको ये क्लियर होगा, सीधा फॉर्मूला मैंने पुट किया है, दिस इज द आंसर। सो जेएनयू 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसने एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, ठीक है। जेएनयू 2011, देखिए इसने क्या कर रखा है, एक ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ब्लॉक लगा रखा है, अभी जो ब्लॉक है ये नीचे नहीं आ रहा है, पकड़ रखा है ब्लॉक को, ठीक है, ओके। अब देखिए जो नीचे सरफेस है ये जो फ्रिक्शन लेस है, तो ये भी प्लैंक की तरह क्वेश्चन बन गया। अब देखिए जैसे छोड़ेंगे इसको यहाँ से, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, अब जब नीचे मूव करेगा तो इस प्लैंक पर भी एक मूव एक फोर्स लगेगा, और प्लैंक भी जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस इतना कवर करेगा वो है 1 मीटर, कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है जब ये नीचे आता है, तो नीचे हम अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया मान लीजिए, हम लोग भी लेट कर सकते हैं इस तरीके से, तो डिस्टेंस ने कवर किया एस, तो कह रहे हैं इस प्लैंक ने जो एस डिस्टेंस कवर किया इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो एंगल इसमें दे रखा है 60 डिग्री, और मास भी दे रखे हैं, इसका जो मास है वो दे रखा है 1 kg, इसका मास दे रखा है 5 kg, और मास ऑफ वन आप ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ अ वेज ऑफ मास 5 kg, द वेज इटसेल्फ लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ब्लॉक नाउ रिलीज्ड सो इट अलाउड टू स्लाइड डाउन द स्लोप, हाउ फार द स्लोप डज ब्लॉक मूव व्हेन द वेज इज मूव एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, जब 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी तो ये कितना डिस्टेंस कवरेगा एस, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ जेड कितना था, मास m1 इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय मास m1 एट m2 इज एट रेस्ट, m2 का मान लेंगे रेस्ट पर है, और अपॉन में क्या आएगा टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास कितना होगा, 5 + 1 तो 6 आ जाएगा टोटल अपॉन में। तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना करेंगे, ठीक है। अब देखिए एंगल दिया हुआ, ये तो हमें नहीं पता, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो अगर हम फाइंड करें cos 60, तो cos 60 कितना होगा, cos 60 होगा x अपॉन में x, x अपॉन में s, cos 60 होता है 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन s, और यहाँ पे जो s आएगा हमारे पास वो आएगा ना x के अलग हम निकालते हैं, x की जो आएगी यहाँ पे s अपॉन 2, ठीक है x आ गया s अपॉन 2। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पुट क्या करें हम लोग, देखिए मास ऑफ वन, मास ऑफ वन दे रखा है 1 kg, 1 इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय 1, इससे कितने डिस्टेंस कवर किया, इतने डिस्टेंस कवर किया s, ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे s, s डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ z, तो डिस्टेंस ऑफ z मतलब कि इस प्लैंक ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, 1, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय, इतनी हॉरिजॉन्टल है ना, मैंने वर्टिकल सॉरी वर्टिकल ले लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा इज x, तो x, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, s अपॉन 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 इनटू s अपॉन में 2 इनटू 6, और s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस थे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।